हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज रिंकू की क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे रिंकू का एक छोटा सा शौक, मतलब छुप छुपा के क्रॉस ड्रेसिंग करने का शौक उन पर इतना भारी पड़ गया कि उनको एक मेड का काम करना पड़ा, एक नौकरानी का काम करना पड़ा, एक सफाई वाली का काम करना पड़ा। मतलब अच्छी भली फैमिली से बिलोंग करते हैं रिंकू, बट फिर भी उनको वो काम करने पड़े जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कोई भी छुप छुपा कर किया गया काम, देखिए उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, और सेम वही चीज हुई रिंकू के साथ। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। रिंकू बोलते हैं कि उनको स्टार्टिंग से ही क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था, बचपन से ही। मतलब जब वो 6 साल के थे तो उनकी एक नेबर लड़की थी, उनकी फ्रेंड थी, उसकी एक ड्रेस उन्होंने खेल खेल में वियर की थी, और वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था रिंकू का क्रॉस ड्रेसिंग करने का, गर्ल्स ड्रेसिंग करने का। अपनी फ्रेंड के साथ खेलते हुए उसने मतलब एक लड़की की जो ड्रेस है वो पहनी थी। उसके बाद जैसे जैसे रिंकू धीरे धीरे बड़े होते गए, उनका ये जो क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है ये भी बढ़ता गया। और कोई चीज बढ़ती है तो फिर वही बात है ना, इंसान उसको ट्राई करने के भी तरीके सोचता रहता है। ऐसे ही रिंकू करते थे। रिंकू को ज्यादा मौका नहीं मिलता था बिकॉज उनकी फैमिली में उनकी दादी, मम्मी, पापा, मतलब सब लोग थे, और मेड भी उनके घर में आती थी। बट रिंकू छुप छुपा कर अपनी दादी की साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह पहन लेते थे और हेयर स्टाइल वगैरह करके देखते थे, विग वगैरह लगाते थे। मतलब वो अपनी दादी की साड़ियां वगैरह पहनते थे और अपना ये जो छुप छुपा के क्रॉस ड्रेसिंग करने का जो शौक है उसको पूरा करते थे। अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रिंकू ये चीज सही करते थे या गलत करते थे। देखिए मैं तो किसी स्टोरी में ये चीज नहीं बोलती हूँ कि ये सही है या गलत है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बट कुछ लोग आकर मेरी स्टोरी पर ही मुझे कमेंट चिपका के चले जाते हैं, फेक स्टोरी फेक स्टोरी। तो आप प्लीज ऐसे कमेंट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लिया कीजिए कि मैं हर स्टोरी के बारे में एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि मतलब मैं कभी नहीं बोलती हूँ स्टोरीज फेक हैं या स्टोरीज सच हैं। मैं हर स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में एक चीज बोलती हूँ कि ये रिक्वेस्टेड स्टोरी है, जिसने शेयर की है उसकी रिक्वेस्ट है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सेकेंड थिंग, बहुत से लोग बोलते हैं कि व्यूज के लिए आप मतलब कुछ भी स्टोरी सुना देते हो। तो देखिए यूट्यूब पर चैनल है तो व्यूज तो सबको चाहिए ना। अभी व्यूज के लिए ही इंसान इतनी मेहनत करता है, वरना इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो फ्री फंड में बैठा वीडियो बनाओ, एडिट करो, और एक वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो हम ही समझ सकते हैं। अपने घर के काम, अपने बच्चों की केयर, और फिर उसके साथ में वीडियो बनाना, स्टोरीज बनाना इतना ईजी टास्क नहीं होता है। और फिर भी आप लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं व्यूज के लिए, तो भाई व्यूज के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है। और मुझे तो प्लीज ऐसे कमेंट्स किया ही मत कीजिए बिकॉज मैं सबको इग्नोर कर देती हूँ। पर स्टोरी फेक वाली बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए मैंने कभी रियल में किसी को देखा नहीं है। ये स्टोरीज रिक्वेस्ट में आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सेम वही चीज है, रिंकू अपनी दादी के कपड़े पहनकर क्रॉस ड्रेसिंग का जो शौक है वो पूरा करते थे। बट एक बार हुआ क्या कि रिंकू के जो फैमिली मेंबर हैं वो किसी फंक्शन में गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, रिंकू घर पर अकेले थे। तो रिंकू ने अपनी मॉम का जो नाइट गाउन है वो वियर कर लिया और मतलब उसी गाउन मतलब नहाए और नहाकर सिर पर टॉवल वगैरह लपेट कर और अपनी मॉम का जो नाइट गाउन है वो वियर कर लिया, और ऐसे ही सिर पर टॉवल लपेटे हुए और गाउन पहने हुए वो किचन में अपने लिए खाना बना रहे थे।
रिंकू को वो चीज ध्यान नहीं रहती है कि उसके घर में जो मेड आती है उसके आने का भी टाइम यही है, और रिंकू अपनी मस्ती में अपना जो काम था वो किए जा रहे थे और उन्होंने घर का जो मेन डोर है वो भी बंद नहीं किया था। तो रिंकू जब किचन में खाना बना रहे थे उसी टाइम जो उनकी मेड होती है वो वहां पर आ जाती है और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जो रिंकू की ही एज की होती है। तो मेड रिंकू को ऐसे ड्रेसिंग में देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और वो रिंकू को बोलती है कि ये आपने क्या किया हुआ है। तो रिंकू बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो जस्ट ऐसे ही मैं कपड़े लेके जाना भूल गया था बाथरूम में और मॉम का गाउन वहां पर टंगा हुआ था तो मैंने जस्ट इसको वेयर कर लिया। बट जो मेड होती है वो समझ जाती है कि इसने शौक में ये चीज पहनी है और वो रिंकू को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हें घर का सब काम इन्हीं कपड़ों में करना पड़ेगा और हमारी पूरी हेल्प करनी पड़ेगी। रिंकू की मजबूरी थी कि वो उसको मतलब मना नहीं कर सकते थे बिकॉज रिंकू एक सीक्रेट क्रॉस ड्रेसर थे, वो अपना ये सीक्रेट किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। सेम वही चीज हो जाती है कि रिंकू को मेड की बात माननी पड़ती है, रिंकू को उनके साथ घर का सब काम करवाना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई मतलब सब कुछ करना पड़ता है। और जो मेड की बेटी थी वो रिंकू का बहुत मजाक भी बना रही थी, उसको देख देख कर बहुत हंस भी रही थी कि रिंकू मालिक होकर घर का जो सारा काम है वो कर रहे थे। और उसी टाइम पर जो कचरे वाली गाड़ी आती है, जो डस्टबिन वाला आता है वो भी आ जाता है। तो रिंकू की जो मेड होती है वो खुद या अपनी बेटी को बाहर भेजने की बजाय रिंकू को ही बाहर भेजने के लिए बोलती है कि जाओ और आप ये कचरा डाल के आओ। रिंकू उसको मना करते हैं कि नहीं मैं घर से बाहर ऐसे नहीं जाऊंगा। तो वो जैसे होता है ना उसको गुस्से में बोल देती है कि ऐसे कैसे नहीं जाओगे और तुम्हें ऐसे जाना होगा। वो उसी गाउन में उसी एक टावल में ही रिंकू को घर से बाहर भेज देती है कचरा फेंकने के लिए। और देखिए बड़े बड़े घर होते हैं तो ज्यादातर जो घर के नौकर वगैरह हैं वही डस्टबिन वगैरह कचरा वगैरह फेंकने जाते हैं। तो सेम वही चीज थी वहां पर भी, जो आस पड़ोस के उनके घर थे उनकी जो मेड वगैरह थी वही डस्टबिन फेंकने आई थी और वो लोग रिंकू को इस हालत में देखकर उसका बहुत मजाक बना रही थी, उसकी बहुत हंसी उड़ा रही थी। और रिंकू मतलब एकदम से शर्मिंदा हो जाते हैं और वो घर पर वापस आ जाते हैं भाग कर। सॉरी एक्चुअली गली में से कोई जा रहा था और उसने सॉन्ग बजाए हुए थे। तो रिंकू एकदम से जैसे घबरा जाते हैं, उनको बहुत शर्म फील होती है, बहुत शाई फील होता है और वो भागकर अपने घर आ जाते हैं। और उनमें से कुछ जो मेड थी वो रिंकू के घर में जो मेड थी उसकी फ्रेंड्स थी, उनकी आपस में बातचीत होती थी तो वो भी रिंकू के पीछे उनके घर तक आ जाती हैं और सब लोग मिलकर रिंकू का खूब मजाक बनाते हैं, खूब उसकी टांग खिंचाई करते हैं, मतलब एकदम से रिंकू को बहुत शर्मिंदा कर देते हैं। तो रिंकू की मतलब एक ये ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जैसे होता है ना कि हाँ भाई एक लड़के का शौक उस पर ऐसे भारी पड़ गया, वो एक मेड के सामने झुकने पर मजबूर हो गया। और उसके बाद से ही उसकी जो मेड थी उसने बोल दिया कि अब जब भी मेरा काम करने का मन नहीं होगा आपको मेरे काम में हेल्प करनी होगी और ऐसे ही लेडीज कपड़े पहनकर आपको मेरी हेल्प करनी होगी। और जैसे आज आपको डस्टबिन वगैरह फेंकने भेजा है ऐसे ही बाहर भी जाना होगा और अगर आपने मेरी बात के लिए मना किया तो मैं ये जो आपका सीक्रेट है ये सबको बता दूंगी। तो रिंकू उसकी बात मानने पर मजबूर थे। रिंकू ने अपना ये एक एक्सपीरियंस ही मेरे साथ शेयर किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि जो भी सीक्रेटली ये सब करते हैं उनको ऐसी मुसीबत में ना फंसना पड़े। तो ये थी रिंकू की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो आपको पता है कि क्या करना है,
चैनल का सब्सक्राइब करना है बेल के साथ। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मैं स्टोरी शेयर करती हूँ और लोग मुझे ओल्ड वीडियो पर या फिर इंस्टा पर मैसेज करके पूछते हैं कि हमारी स्टोरी कब शेयर करोगे, तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। बहुत से लोगों को सब्सक्राइब का मतलब ही नहीं पता है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साथ में बेल आएगी उसको ऑन कीजिए, तो आपको जो भी स्टोरी आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपनी स्टोरीज के बारे में पता भी चलता रहेगा। तो अगर अच्छी लगी हो स्टोरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने कम्युनिटी में। और अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।